Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Texture Zone. और आज हम सीखने जा रहे हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन. जो हमारा कंपनीज एक्ट है गाइज, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर सेक्शन है 2 क्लॉज 71 जो पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है. व्हाट डज इट से? इट सेज अ कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. एक बात तो ये ध्यान रखनी है. और दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और कोई भी अभी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है. 29 यानी कि 29 मई 2015 को एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया. तो अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आगे फिर उसने क्या बोला है, दो कंडीशन तो ये होगी कि प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए और कैपिटल का कोई क्राइटेरिया फिलहाल है नहीं. और उसने एक कंडीशन और बोली है गाइस, इसको ध्यान से देखो कितनी टेक्निकली लिखी हुई है. कह रहा है कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी. नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी का मतलब अ पब्लिक कंपनी, यानी कि वो पब्लिक कंपनी नहीं है. यानी कि एक कंपनी है, लेट्स से एच लिमिटेड है ना, और ये ना लिमिटेड है यानी पब्लिक कंपनी है. ये क्या है? पब्लिक कंपनी है. और उसने बोला है कि अगर इसकी सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है, गाइस ध्यान देना, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इस प्राइवेट कंपनी को भी डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा पब्लिक कंपनी. ध्यान रखना, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन व्हेन दिस सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन आर्टिकल. ध्यान रखना, यानी कि हम इसको बोलते हैं इम्प्योर प्राइवेट कंपनी, इम्प्योर प्राइवेट कंपनी. हालांकि ये लॉ का टर्म नहीं है, हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं क्योंकि कई बार जब हम देखने लोन के प्रोविजंस या और दूसरे तरीके के प्रोविजंस की जब हम एनालिसिस करते हैं तो प्राइवेट कंपनी जो कि एक सब्सिडरी है होल्डिंग पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टर्म यूज करते हैं प्योरली प्राइवेट कंपनी और इम्प्योर प्राइवेट कंपनी. हालांकि ये लॉ का टर्म नहीं है गाइस. सो हमने क्या सीखा कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, डीम पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इट हैज ऑल द कंडीशंस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल एज वी नो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक कंपनी. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.